लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आपको सोशल मीडिया से इतना एतराज क्यों है? आप खुद भी सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं और मैंने अक्सर आपको सुना है जी। आप लोगों को भी, युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अक्सर मोबाइल से चिपककर सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप उससे आप इन्हें भी दूर रहने की हिदायत देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए मैं ये कहता हूँ, इससे पाएंगे क्या शाम तक, क्या पाएंगे? मैं आज ये करके आया, ये प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? मैं नहीं करता, मैं यहाँ कविता आज का दौर तो लेकिन प्रचार प्रसार का ही है भाई। आज का दौर होगा प्रचार प्रसार का, मुझे इस तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहिए जो मुझे कम कर दे, मुझे हल्का कर दे, मुझे धीमा कर दे, मुझे नीचे कर दे। सृजन में अगर मैं वक्त लगाऊंगा, देखिए बहुत सीधी सी बात है, मेरी दो पंक्तियां हैं कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना तब, जिंदगी थी। और यकीन मानिए व्हाट्सएप अगर 1947 के पहले आ गया होता तो देश अभी तक आजाद नहीं होता। हर आदमी एक दूसरे को मैसेज भेजता, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाएं। अच्छा, दिलचस्प ये है कि तालियां वो लोग बजा रहे हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्या है। क्योंकि फेसबुक पे आप यकीन मानिए चित्रा, आप अपना चेहरा लगाएं और उसके बाद कोई स्टेटस डाल दे, कमेंट डाल दे, फिर देखिए आप नीचे कमेंट की बहार। क्योंकि फेसबुक पे हम लोगों से बात नहीं करते, चेहरों से बात करते हैं। दुनिया में झूठ बोलने की इससे ज्यादा बड़ी जगह मैंने नहीं देखी। आप यकीन मानिए, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप एक लगाएं कि जैसे नहीं, इसमें सच्चाई है, इसमें गलत क्या बात है, ये तो सूचना है और आप तो पत्रकार हैं, सूचना देने का ही काम करते हैं, तो सूचना है राइट। तो आप मान लीजिए एक स्टेटस लगा दें कि भाई आज मैं लोकल बस से, डीटीसी की बस से यहाँ तक आई, चेहरा आपका है जी, सूचना आपकी है, और फिर नीचे लोगों के कमेंट देखें, हाउ स्वीट, आप कितनी सहज हैं, देखिए आपका जीवन कितना सरल है, अगली बार ले जाओ तो हमें भी ले जाना। अब यही कमेंट मेरे जैसा कोई कर दे, चेहरा मेरा है, और मैं लिख दूंगा आज मैं लोकल बस से यहाँ तक आया, पहला कमेंट तो, दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात ही इतनी है भिखारी की औलाद। हम चेहरे देख के कमेंट्स बदल लेते हैं, हमारी सच्चाई ये है, हम चेहरों से बात करते हैं, हम लोगों से बात नहीं करते। तो जब आप जिस जगह पे लोगों से बात करते ही नहीं है, उस जगह पर रहने का फायदा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा महत्वपूर्ण। आप यकीन मानिए आजकल के बच्चे, आप इंसानों से दूर होते चले जाएंगे, यकीन मानिए इंसानों से नजदीक रहना सीखिए, मशीनों से थोड़ा दूर हो जाइए तो संस्कृति बची रहेगी। मोबाइल फेंक दीजिए, किताबें ले लीजिए। और साहित्य आज तक का मंच इसीलिए सजा भी है जी, और लगातार हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कितनी किताबों का विमोचन भी हुआ है। आगे बढ़ते हुए एक और, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं लेकिन फिर से आपको मोबाइल की दुनिया में लौटा कर ले आती हूं। वो चंद पंक्तियां जब पिता एक कमरे में होता है और बेटा दूसरे कमरे में और दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप पर बात कर रहे होते हैं। हमारे पिता तो व्हाट्सएप, हम तो किसी स्तर में उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं, मतलब यकीन मानिए इस तरह के पिताजी हैं। ये लाइव तो नहीं चल रहा, डरते हैं आप लाइव से? अरे मकान के कागज अभी भी उन्हीं के नाम पे हैं। तो डरते हैं का क्या मतलब भाई, मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, बहुत सोच समझ के काम करता हूँ भाई। आप सोच रहे होंगे अभी कोट पहन के कि मैं सर्दी का इंतजार क्यों करूँ, नया बनवाया तो पहन लिया। मतलब हम लोग वो लोग हैं, अरे इतने खतरनाक पिताजी हैं। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। आपको मालूम मैथमेटिक्स में उदाहरण दिए जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, वो तीन बिंदु बना के चूंकि माना कि, अब वो तीन बिंदु का क्या लेना देना, मेरे कभी पल्ले नहीं पड़ा। तो मैथमेटिक्स में उदाहरण दे रहे थे कि खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया, व्हाट गोज ऑफ माय फादर, इसका हिंदी तर्जुमा आप खुद कर लीजिएगा। तो खड़ा हो गया तो बोले मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे सर, वो आप ही की उम्र के हैं सर जो आप इतने ध्यान से मुझे देख रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, उन्हीं को याद करते हुए आपको देख के बोल रहा हूँ। तो नहीं, आपका सम्मान मैं इसलिए करता हूँ कि इस उम्र में मैं आपके चेहरों पे हंसी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। तब मैं एक बहुत मेरी पंक्ति याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। वाह वाह, बहुत खूब। तो खड़ा कर दिया हमारे पिताजी को, मेरे को खड़ा कर दिया क्लास में टीचर ने, खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है, मैं जानता हूँ वह क्या हो सकता है। अरे बोले नहीं, गणित पढ़ा रहा हूँ, पिताजी 100 इधर से दे दें, 150 इधर से दे दें, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है, 58 नहीं दे। अच्छा, वो बहुत सोच समझ के देते हैं, बहुत सोच समझ के। एक भिखारी आया उनके पास, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने आजमोला दी कि पचाता रहे, और क्या चाहिए। एक दर्जी के पास गए, वो दर्जी ने आत्महत्या कर ली, गए और बोले भाई सिलेगा कपड़े? बोले मेरा काम वही है, पैंट सिलेगा, कितने रुपए लेगा? बोले 300 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। निक्कर सिलेगा? बोले हाँ सिल दूंगा। कितने? बोले 75 रुपए। बोला ये ठीक है। अब वो नाप लेने लगा निक्कर का, बोले कितनी लंबी रखूं? बोले जमीन तक। तो हमारे पिताजी से हम बहुत डिस्टेंस से बात करते हैं जी। अच्छा, मेरे चाचा तो और भी महान है, उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए
उन्होंने दो औलाद दे दी। भाई स्टार्टअप कहीं से तो होना चाहिए, ये तो हमारा खानदानी स्टार्टअप है, तो उनसे बड़ा डिस्टेंस से बात करते हैं हम लोग, आज भी इतने डिस्टेंस से बात करते हैं, यकीन मानिए उनसे नजरें नहीं मिलती, और उनसे नजरें नहीं मिलती, शायद इसीलिए इस काबिल हुए कि हम आपकी नजरों में आ गए। वाह वाह,